अगर आप भोजपुरी की ताजा खबरों को देखना चाहते हैं तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। जान लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार अभिनेता पवन सिंह की बात की जाए तो देशभक्ति फिल्मों को लेकर हमेशा ही चर्चाओं में बने रहते हैं और इस बार उन्होंने माँ तुझे सलाम का पोस्टर अपने फैंस को गिफ्ट दिया है। आपको बता दें, एक अभिनेता पवन सिंह का जबरदस्त फर्स्ट लुक वायरल हुआ, जिस फर्स्ट लुक में सुपरस्टार अभिनेता पवन सिंह नजर आ रहे हैं हाथ में बड़ी सी गन लेकर। उसके बाद एक और पवन सिंह की झलक, जहां पर पवन सिंह हाथ में तिरंगा लेकर नजर आ रहे हैं और पीछे का लोकेशन काफी जबरदस्त है। माँ तुझे सलाम का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है, जिस फर्स्ट लुक में अभिनेता पवन सिंह काफी बेहतरीन लग रहे हैं। आपको बता दें, पवन सिंह की बात की जाए तो इस फिल्म को जी और जान लाकर उन्होंने बनाया। वहीं पर इस फिल्म को डायरेक्ट किया है असलम शेख, फिल्म के प्रोड्यूसर अभय सिन्हा है। इस फिल्म को यशी फिल्म द्वारा रिलीज किया जाए। ये पोस्टर काफी मजेदार और काफी शानदार लग रहा है और इस फिल्म में जबरदस्त अभिनेता पवन सिंह का एक्शन हमें देखने को मिलने वाला है। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार अभिनेता पवन सिंह की दीवानगी भोजपुरी इंडस्ट्री में इस कदर है कि उनकी हर एक फोटो को सोशल मीडिया पे लोग बहुत पसंद करते हैं और जब अभिनेता पवन सिंह के साथ उनकी फोटो सोशल मीडिया पे आती है तो लोग उसे खूब ज्यादा पसंद करते हैं। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर लगातार हमने आपको बहुत फोटो अभिनेता पवन और उनकी पत्नी के साथ दिखाई, जिसको आप लोगों ने खूब पसंद किया। इस बीच अभिनेता पवन सिंह अपनी पत्नी के साथ एक होटल में नजर आए खाना खाते हुए। जी हां, खाना खाते हुए अभिनेता पवन सिंह अपनी पत्नी के साथ नजर आया, जिसे देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। जैसा कि आप लोग जानते हो, पवन सिंह के पत्नी के साथ उनकी हर एक फोटो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होती, ये भी फोटो वायरल हो रही थी। और बताया जा रहा है, मुंबई की एक आलिशान होटल की फोटो है, जहां पर पवन सिंह अपनी पत्नी को लेकर पहुंचे। काफी अल्टीमेट लग रही है फोटो। आपको कैसी लगी हमें बताएं कमेंट सेक्शन के जरिए। भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार अभिनेता पवन सिंह, 2017 में उनकी एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था सत्या। जी हाँ, 2017 के सभी इतिहास को चूर चूर कर इस फिल्म ने सबसे बड़ा इतिहास अपने नाम कर लिया था। इसका एक गाना राते दिया बुदा के भोजपुरी इंडस्ट्री का नंबर वन गाना बन गया था। इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और इस फिल्म का एक्शन इतना जबरदस्त था कि लोगों ने इसे बढ़ चल कर सराहा, लोगों ने इसे खूब पसंद किया। इसी को देखते हुए अब इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी आने वाला। जी हाँ, बीरू ठाकर इस फिल्म पर काम कर रहे हैं और बताया जा रहा है इस फिल्म को 2019 में रिलीज किया जाएगा, जिसका नाम रखा गया है सत्या रिटर्न। जी हाँ, सत्या रिटर्न यानी पवन सिंह सत्या लेकर दोबारा से वापस आ रहे। इस फिल्म का स्टार कास्ट का खुलासा अभी तक तो नहीं हो पाया, लेकिन पवन सिंह का नाम सामने आ रहा है। दूसरी बात ये, इस फिल्म की शूटिंग सारी लगभग आउट ऑफ इंडिया की जाएगी, यानी इस फिल्म की शूटिंग अबू धाबी में की जा सकती है। बड़ी बात तो यह है कि अभिनेता पवन सिंह को लेकर जहां फैंस एक्साइटेड थे कि सत्या 2 जल्दी से जल्दी आए, तो सत्या रिटर्न जल्द ही आ रही है आप लोगों के सामने। लगभग 2018 के अंतिम इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल इस फिल्म की कहानी पर काम हो रहा है। इस फिल्म को लेकर आप कितना एक्साइटेड हो हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। भोजपुरी इंडस्ट्री की ये पहली फिल्म होगी जिसकी शूटिंग अबू धाबी में की जाएगी। भोजपुरी फिल्मों की हॉटेस्ट अदाकारा अक्षरा सिंह की अगर हम बात करें तो पवन सिंह की साथ अक्षरा सिंह की जोड़ी बहुत पॉपुलर जोड़ी थी, जिसे दर्शक खूब पसंद किया करते थे। और हाल ही में अभिनेता पवन सिंह के साथ अलग होने के बाद देश पांडे के साथ राजा राजकुमार की शूटिंग में व्यस्त थी। वहां पर एक बार लाइव आकर अक्षरा सिंह ने बातें कर रही थी। उस बीच अक्षरा सिंह के एक फैंस ने अक्षरा सिंह से पूछा कि आपका नया वीडियो गाना कब आ रहा है। वहीं पर अक्षरा सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि बहुत जल्द लेकर आ रही हूं, जिस पगले को दिल से चाहा था उसका वीडियो गाना। उसके बाद अक्षरा सिंह ने उस गाने की शूटिंग शुरू कर दी और फाइनली उस गाने की शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी है और दर्शक इतना ज्यादा उस गाने को पसंद करें कि उसका कोई जवाब नहीं। वो गाना काफी बेहतरीन है, काफी बड़ा और काफी अल्टीमेट गाना है और भोजपुरी इंडस्ट्री का अब तक का सबसे बेहतरीन और बड़ा गाना है और भोजपुरी इंडस्ट्री का अब तक का सबसे बेहतरीन और दर्द भरा गाना है, जो दिल को छू जाता है। ये गाना सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैंने वाकई कोई गाना सुना है। अक्षरा सिंह की बेहतरीन आवाज हमें काफी बेहतरीन लग रही है। अगर इस गाने को आप सुनना चाहते तो लवली म्यूजिक पर आपको ये गाना सुनने को मिल जाएगा, जिसे लगभग अभी तक 2,00,000 लोगों ने देखा है, जो कि इस गाने को कल रिलीज किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हो, इस गाने का टाइटल जिस पगले को दिल से चाहा काफी बेहतरीन दर्द भरा गाना है। इस गाने को खुद अक्षरा सिंह ने गाया और इस गाने को लिखा है मनोज मतलबी ने। इस गाने की म्यूजिक डायरेक्टर है अविनाश झा और घुंगरू जी। ये गाना काफी बेहतरीन और काफी मजेदार गाना है। आप सुनिए और हमें बताइए कैसा लगा ये गाना।